क्या बता रहे होता है वोट? मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आपका फर्स्ट टाइम वोट था? आपको लोकसभा में 5 साल बाद डाल पाएंगे? पहला लोकसभा वोट पास वो तो आप कुछ कर नहीं सकते। हमें जैसे पता चला कि ओवरऑल कैंसिल हो गया तो फिर हम थे वो थोड़ा सैड, पर ठीक है। फिर भाजपा भी सिलेक्ट हुई है तो फिर सैड किस बात का? मतलब मन का कैंडिडेट हो गया लेकिन एक मन में टीज भी है कि हमने नहीं चुना। हाँ बस दिल से जीते अंगूठे से नहीं। क्या पढ़ाई करते हो? मैं डायमंड में हूँ। डायमंड में? डायमंड मैन्युफैक्चरिंग। सब जितने भी लोग हैं ना सब बिजनेस करते हैं। सब बिजनेस कर रहे हो? 21 साल की उम्र में बिजनेस? सब ए टू जेड यार। मतलब 20-21 साल की उम्र के बिजनेसमैन से मैं मिल रहा हूँ आज। सारे लगभग 20-20 साल के हैं भाई। आपने कितनी उम्र बताई थी अपनी? अरे माइक पे बताओ। 18। सामने कोई खड़े रहने के लिए तैयारी नहीं है तो अब किसको वोट डाले हम? 25 साल की उम्र में हमने पहली बार वोट डाला, ऐसा बोलेंगे 5 साल बाद। मेरा वोट भाजपा को ही देने का था लेकिन वो ही विन हो गई, तो अच्छा ही भी लगा और अच्छा नहीं भी लगा कि एक जो होता है कि वोट मुझे करना चाहिए वो सिर्फ नहीं हो पाया। Candid dusting powder. Candid dusting powder. Redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे 4 skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable. Candid dusting powder के साथ। गुजरात चुनाव कवरेज पर हम निकले हुए हैं, काफ़ी दिनों से कवरेज पर लगातार हैं हम। अलग अलग जिलों में गए, हमने आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आज हम ऐसे ज़िले में आए हैं जहाँ चुनाव यात्रा तो है पर चुनाव नहीं है। मतलब हम सूरत में हैं क्योंकि यहाँ निर्विरोध चुने जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो प्रत्याशी के आप तो सांसद ही हो गए, आज हमने उनका सुबह इंटरव्यू भी किया जो आपको देखने को मिलेगा। हमने एक टेक्सटाइल पर लंबा वीडियो किया है सूरत में, वो आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। तो हमने सोचा जब हम यहाँ आई हैं तो यहाँ की जनता से, क्योंकि जब चुनाव की बात होती है तो जितना आप नेताओं की बात करते हैं उतना ही स्टेक होल्डर होती है जनता, क्योंकि वोट जनता ही कर रही होती है। लेकिन सूरत के अंदर जनता अब वोट नहीं डालेगी क्योंकि यहाँ निर्विरोध चुनाव में ऑलरेडी जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे। तो हमने सोचा क्यों ना जनता के बीच जाया जाए और उनसे जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं। तो हम इस समय सूरत के एक मार्केट में, इसका नाम है ला पेंटोला, इसमें मौजूद हैं। लोगों से बात करने का था तो हमें एक कपल मिले, एमपी से हैं, तो मैंने सोचा इनसे सबसे पहले बात की जाए, उसके बाद हमारे साथ कई युवा भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो शुरू यहीं से करते हैं। आपका नाम क्या है? गौरव जैन। गौरव जैन। और आपका? डॉक्टर शमा जैन और डॉक्टर गौरव जैन। सॉरी गौरव जैन। तो गौरव जी आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का। ज्वेलरी का बिजनेस है? आप बता रहे थे आप एमपी से हैं। एमपी से। एमपी में कहाँ से? रतलाम। अच्छा, वोट अपना यहीं सूरत में? मैं यहीं का सेट हो गया हूँ, 13 साल से मैं यहीं पर ही हूँ, यहीं सेट हो गया। बिजनेस वगैरह सब यहीं सेट हो गया तो यहीं पर ही सेट हो गया हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, सूरत बाहर से आए हुए लोग सूरत में वेल सेट भी हो जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा काम आगे पूरा सब करते हैं ना? बहुत सपोर्टिव जगह है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पर, एक दूसरे की बहुत अच्छी मदद मिलती है यहाँ पर, और प्रोग्रेसिव प्लेस है। जितना अच्छे से यहाँ शांति से लाइफ जी जाती है और शांति से बिजनेस किया जाता है, इससे अच्छी कोई और जगह नहीं है। अच्छा, कभी मन हुआ कि एक बार वापस अपने स्टेट जाया जाए या वहाँ रहा जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरत में आगे, सूरत में मन बस। आज कोई बोले कि मैं इससे डबल बिजनेस डबल सब चीज़ें देता हूँ तो भी मैं सूरत छोड़ के नहीं जाऊँगा। कारण? यहाँ आबोहवा अच्छी है, यहाँ का शांति की लाइफ है, घाई वाला कोई काम नहीं है, और व्यापार प्रोग्रेस सब बहुत अच्छा है, और लोग जिंदा दिली से जीते हैं यार। आज जीते हैं, अगले कल की चिंता नहीं करते, आज जीना पसंद करते हैं, आज में जीना पसंद करते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैं भी एमपी से ही हूँ। एमपी से ही? सेम जिले से? हाँ, मैं मंदसौर। आप मंदसौर के पास? मैं मंदसौर। अच्छा, तो आप सर के साथ ही यहाँ शिफ्ट हुए होंगे दोनों? आपका मन नहीं करता वापस जाने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सूरत ही अच्छा लगता है। दोनों लोगों ने मन में बना लिया कि अभी सूरत में ही बसेंगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप लोग 13 साल से सूरत में रह रहे हैं तो वोट का भी अधिकार, अब चूंकि अब सूरत में ही आपका वोट आ गया है, अब इस बार वोटिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि सूरत में निर्विरोध चुने जा चुके हैं यहाँ पर सांसद, तो सूरत की जनता को कहीं से ठगा हुआ या ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। वोटिंग देना सब जने चाहते हैं, पर जिनको देना चाहते हैं उनको जीत के हम नॉर्मल हैं, हम सुन के भी सब नॉर्मल हैं और खुश हैं। ठीक है, एक लगता है कि हम वोटिंग देते अच्छा देता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हर एक व्यक्ति यही चाहता था कि भाई बीजेपी की से ही बने गवर्नमेंट, और हमको तो इस बात की खुशी है कि पहले सांसद, पहली जीत बीजेपी की सूरत से स्टार्ट हुई है। हम ऐसा नहीं कि बीजेपी के कोई है या बीजेपी का वो है, हम मोदी के समर्थक हैं, मोदी हमारे को अच्छा लगता है और अच्छा प्रोग्रेसिव उसमें काम दिखता है तो हम उसके लिए बोलते हैं कि भाई हाँ मोदी। आपको भी मैम लगता है कि वोट नहीं इनसे कोई समस्या नहीं? एक्चुअली वोट देना तो सबका अधिकार है और देना भी चाहिए सबको, एक वोट का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। हम लोग भी बहुत खुश थे कि अब वोटिंग देना है, पर अब पता चला कि ऐसे ही
जो उम्मीदवार है वैसे ही जीत गए, सांसद बन गए हैं, तो उसकी भी खुशी है कि हम जिसको चाहते थे वही सांसद बने। बस थोड़ा सा एक मन में कि हम देते तो अच्छा रहता है, कि हम देंगे तो हमको आगे जो दूसरा देखेगा कि नहीं ये लोग भी दे रहे तो हमको भी देना चाहिए, तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होते। पर ये अच्छा है, जीत गए हम देते तो भी वही जीतते, लेकिन अच्छा है एक तरह। जैसे मैं और भी लोगों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि जीत हार चाहे जिस की भी होती पर नेता हमारे बीच आते, हमारे मुद्दों को जानते, जो भी हमारे मुद्दे हैं। हालांकि जैसे आपने बताया कि सूरत में बहुत आपको शांति या सब फील होती, पर कभी जैसे कुछ लोगों को है कुछ लगता है कि उनको अपनी बात पहुंचानी थी, तो चुनाव का एक समय होता है जब नेता आपके बीच आते हैं, बात करते हैं, आप अपने नेता को देख पाते हो, मिल पाते हो, घर घर पर जाके वोटिंग वोट मांगा जाता है, उनके कार्यकर्ता आते हैं, पर सूरत में तो अभी ये सब माहौल बिल्कुल रहेगा ही नहीं, नेता आपके बीच भी अब क्यों ही आएंगे जब वो जीत गए। मैं ऐसे भी हमने किसी नेता को ऐसे साथ में आते हुए नहीं देखा, पर यहाँ का जो जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट है वो बिना कहे सुने भी पूरी होती है, और हमने वही देखा है। आज हमने एमपी से कंपैरिजन करा तो हर कदम पे 10 साल आगे लगता है पूरा गुजरात। मैं पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी सब जगह मेरा बिजनेस का है तो मैं सब जगह जाता हूँ, पर हर हाल में 10 साल आगे लगता है कि ये सब चीज़ों में और काम काज में, रोड के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो ऐसा कभी बीच में यूँ भी मैंने कभी एमपी स्टेट में भी कभी किसी सांसद को ऐसे साथ में आते हुए या मिलके के कभी वो सब चीज़ों का नहीं। हाँ ठीक है भाई, वोटिंग के टाइम पे सब आते हैं, उसके बाद में सब गायब भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत लगती नहीं। पर यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा लगता है ना कि सोचने के पहले चीज़ें हो जाती है। आज हम ब्रिजेस में देखते हैं, ब्रिज है तो ऐसा लगता है अगले 10 साल की प्लानिंग करके यहाँ पर काम हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें सूरत में ही, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह भी हुआ, पर ब्रिज के लिए हो, रोड्स के लिए हो, यहाँ की जो सुविधाओं के लिए, अगर आप गटर लाइन की देख लो, वाटर की देख लो, हर चीज़ की सुविधाएं आगे से आगे आपको सब मिल जाती है। आज अपन फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर क्या मिलता है? सुविधा ही है, रोड, पानी, आपको इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीज़ें हमको यहीं मिल रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ यही फॉरेन कंट्री, यही अच्छा है। लेकिन जैसे आपने बताया, लेकिन सरकार तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही रही है काफ़ी लंबे समय से। वो भाई यहाँ तो उससे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, हम वहाँ पर भी ये रही हुई है। उस टाइम पे भी पहले कांग्रेस की थी जब अब तक हम लोग रहे थे, फिर शिवराज जी आए, शिवराज जी के बाद में बहुत अच्छा काम भी हुआ। आज मोदी जी के गाइडेंस पे उन्होंने जो भी काम करा, जो प्रोग्रेस करी, जब हम देखते थे, जब हम वहाँ रहते थे रोड से ज़्यादा गड्ढे मिलते थे, और आज की तारीख में देखते तो पूरे एमपी में रोड वगैरह की सबकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें भाई कहीं ना कहीं पहले गुजरात में अप्लाई हुई है, उसके बाद में ही दूसरी जगह अप्लाई हुई, ये देखने को मिला है यहाँ पे। तो काम तो हुआ है यहाँ पर, काफ़ी काम पहले से हो जाता है, ऐसा लगता है कि सोचने के पहले काम हो जाता है। सूरत में काम काफ़ी हुआ है। आप क्या बता रही थी मैम कि जैसे वोटिंग का अधिकार, मैंने बताया कि नेता आपके पास आते, एक वादे होते हैं उनके, आपकी जवाबदेही होती है, आपके पास आते हैं तो प्लस आप अपनी जो भी समस्याएं उनको बता सकते हैं, पर इस बार वोटिंग नहीं हो रही है तो नेता तो वैसे भी नहीं आएंगे। वो हमेशा ऐसा ही होता है, वो तो जेन्युइन है कि नेता आएंगे, सुनेंगे, वो उस टाइम पीरियड ही तक रहता है, बाकी उसके बाद उसका कोई मतलब ही नहीं आफ्टर वोटिंग के बाद। तो वो ऐसा नहीं कि वो नेता आएगा तभी हम उनके पास मुद्दे रखेंगे, वो हमारी बातें सुनेंगे, ऐसा नहीं है। वो आजकल कंटिन्यूस, आजकल सोशल मीडिया इतना सब एक्टिव हो चुका, इतना अवेयरनेस आ गया लोगों में भी, तो ये नॉर्मल चीज़ लगती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेता आएगा, हम उनको बताएंगे, वो हमारी बात सुनेंगे तो ये आगे काम होगा या कुछ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू भी रख सकते हैं। हमने यहीं आके चेंजेस देखे, हम बहुत बड़े चेंजेस दिखे हमारे को, रोड को लेके, प्लांटेशंस को लेके, लोगों के अवेयरनेस। मतलब हम जहाँ रहते थे हमको कभी ये नहीं बताया गया था कि भाई कचरे को प्रॉपर डस्टबिन में डालना, यहाँ डालना। हमको यहाँ आके हमारे बच्चे हमको टोक देते हैं, एक एनवायरनमेंट हो जाता है, एक लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है। हमको यहाँ हमारे बच्चे टोक देते, कभी हम गलती से कहीं डाल भी देना तो लोग तो पापा क्या कर रहे हो, मतलब वो चीज़ का एक माहौल यहाँ पर देखा। उसके बाद पब्लिक के सपोर्टिव पब्लिक है यहाँ पर, जवाब बता रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ पापा को मैंने टोका है कई बार, है ना? टोका है पापा को कभी कचड़े को लेकर? नहीं। अच्छा आपने टोका? हाँ मैंने बहुत बार टोका है। अच्छा पापा फेंक देते हैं क्या? नहीं मैं गलती से कभी कभी हो जाता है पर मैं बोल देती हूँ। अच्छा आप लोग बोल देती हैं, आप लोगों के अंदर है कि हाँ कचड़ा नहीं फैलाना? हाँ ऐसा बहुत है, सिर्फ मैं स्कूल में भी ऐसे अवेयरनेस रखती हूँ। स्कूल के अंदर भी अवेयरनेस रखते? कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं केशवन इंटरनेशनल में पढ़ती हूँ। कौन सा इंटरनेशनल? केशवन इंटरनेशनल। केशवन इंटरनेशनल। ऑलराइट। तो वहाँ पर क्या, किस किस क्लास में? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। 8th स्टैंडर्ड में। तो अभी क्या बनना चाहती हैं आगे जाके?
हम आगे जाके तो मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट में क्या क्या मतलब किस तरीके का आर्टिस्ट क्या पसंद है? मीन्स मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा, पेंट वाला आर्ट पसंद है। या कि आर्ट फॉर्म बहुत तरीके के होते हैं, पेंट वाला आर्ट। या तो अभी उसमें क्या पेंटिंग वेंटिंग करना स्टार्ट किए? हाँ बहुत सारी। तो मजा आता है? बहुत ज्यादा। अच्छा आपको सूरत कैसा लगता है? सूरत तो बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे होम टाउन की भी बहुत याद आती है। होम टाउन की बहुत याद आती है? छोटेपन में आप होम टाउन में रही हैं क्या? हाँ जब मैं एक साल की थी तब मैं वहीं रही थी। तो याद कैसे, एक साल का तो याद होता नहीं है? नहीं बट मम्मी पापा ने बताया था कि ऐसा है वैसा है, तो उसके हिसाब से जाने का मन होता है। अभी जाती होंगी घूमने? कभी कभी तो जाते ही, कभी कभी तो जाते हैं। अभी वहाँ कौन कौन रहता है? वहाँ पे मेरे बुआ रहते हैं, फिर पापा के ननिहाल वाले सब रहते हैं, और फिर मेरा भी ननिहाल MP में ही है। अच्छा, तो वहाँ जाते रहते हैं। बस एक चीज़ कंटिन्यू रखिएगा, जैसे आप लोगों को टोकती रहती है ना, तो टोकते रहिएगा स्वच्छता और हर चीज़ के लिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा, मैं आगे युवाओं से भी बात करना चाहता हूँ, है ना। धन्यवाद बात करने के लिए। तो कहाँ गए मिस्टर, आपने हमसे बोला था बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? हेत सेठ। तो सेठ खुद लगा लिए नाम क्या के है? सरनेम सेठ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि हम लोग जैसे यूपी में अलग सरनेम रहते। खैर मैं ये पूछ रहा था कि कितना समय हुआ आपका वोटिंग कार्ड बने हुए? दो साल हो गए। तो अभी 20 साल उम्र है आप? हाँ 20 साल है, लगभग 20 साल है ना। 21 साल उम्र। अच्छा, तो सूरत में ही आपका वोट? हाँ सूरत में ही। तो इस बार तो यार वोट नहीं डाल पाऊंगा? नहीं इस बार नहीं डाल पाएंगे। तो कैसा लग रहा है कि पहली बार वोट डालने जा रहे थे ना? नहीं दूसरी बार डालने जा रहे। 2022 के विधानसभा में भी डाल, तो इस बार लोकसभा में पहली बार डालने जा रहे। हाँ लेकिन अब पहली बार के लिए अगले 5 साल इंतजार करो। हाँ है ना। तो कैसा मतलब, क्या आपको लगता है कि वोट का, अब चूंकि लोकतंत्र में हम जब वोट की बात आती है, जनता वोट डालती है, चाहे कोई जीतता चाहे कोई हारता, लेकिन वोटिंग का होता है ना कि हमें खुद जाके वोट डालना है, तो अभी कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है, मतलब ऐसा था कि वोट दे हम भी दे तो वो पेंट वेंट दे। नाखून पे वो पेंट का बड़ा एकदम एक्साइटमेंट था कि वो पेंट होगा, है सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डाला। कैसे एक बार होता ना, कैसे डाल सकता, अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए लोकसभा के लिए तो इंतजार होगा, अब थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मन हुआ कि यार इस चीज़ पर आवाज़ उठाई जाए यार, कि एक बार वोटिंग का अधिकार तो हमें मिलना चाहिए? तो हक हमें तो है नहीं कि हम अधिक मतलब कोई आवाज़ भी उठाए, ऐसा कोई बात करे। नहीं वो तो आवाज़ तो कोई भी उठा। नहीं नहीं अभी ये एज ही नहीं है इतनी, ये एज में 21 साल के तो हो गए यार। अरे कितना भी 30 साल का भी कोई हो तो भी क्या ही बात करना है। अगर ये डिसीजन आगे से आया है तो कुछ सोच समझ के आया होगा, तो फिर आगे से किसने सोच समझ के यार, ये तो डिसीजन ऐसा हुआ ना कि बाकी लोग पीछे हट गए, कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 15 टोटल खड़े हुए थे, तो मुकेश दलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको निर्विरोध चुन लिया गया। ये कोई ऊपर से फैसला थोड़ी ना आया है। सामने कोई खड़े तैयारी नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बोलिए। सामने कोई खड़े रहने के लिए तैयारी नहीं है तो अब किसको वोट डालें हम? सामने कोई खड़े रहने के लिए मतलब विपक्षी पार्टियों में कोई तैयार? पार्टी में कोई है ही नहीं, जैसे आपने बोला फॉर्म रिजेक्ट हो गए, वोट कुछ लोग पीछे हट गए, तो सामने वाला ही कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है तो हम वोट किसको डालें? पर ऐसा नहीं लगा यार, जैसे अपना नेता होता, अगर वो जैसे चुनाव होते तो हम भी अपना पूरा माहौल देखते समझते, लोग आते हमसे बात करते, अपने वादे करते, है ना, अपने अपना बताते कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे, फलाना बताते हम सत्ता में आए, तो ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं। अब निर्विरोध मतलब आप लोगों के पास चॉइस नहीं, भले आप किसी को भी जिताते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताते, चाहे कांग्रेस या बाकी निर्दलियों में से किसी को जिताते, अभी तो आपके पास आपके पास चुनने का नहीं है। अब आपके पास जो आ गए वही आ गए, जो है वही, जो भारतीय जनता पार्टी के वही दलाल जी। लेकिन लगता तो होगा यार कि वोटिंग मिलनी चाहिए थी। हाँ वो तो लगता तो है, वोटिंग फर्स्ट लगता होगा कि वोटिंग तो हमको एक बार करना था, कर लिया। अच्छा आपका फर्स्ट टाइम था? हाँ। क्या एज है आपकी? 20। नाम क्या है? भव्य। भव्य भव्य पहली बार ही चुनाव का अधिकार? पहली बार ही। हाँ लेकिन ये यादगार हो गया? यादगार, अच्छा लगा। पहली बार में चुनाव का अधिकार, वोट ही नहीं मिल पाया। आगे मैंने पहली बार डाला था 25 में। हम पहली बार डालने जा रहे थे लेकिन हमारे यहाँ निर्विरोध चुन लिए। निर्विरोध हो गया, और 25 साल की उम्र में हमने पहली बार वोट डाला, ऐसा बोलेंगे 5 साल बाद। पहली बार लोकसभा में, राज्य विधानसभा का तो अभी बीच में आएगा। अच्छा बात करेंगे हमसे? अरे वाह, आप बताइए आपका क्या, अभी कितनी एज हो गई है? 21। तो मतलब वोटिंग नया ही वोटिंग कार्ड आया था। अच्छा पहली बार गई था? पहली बार गई था, और लेकिन भी न्यूज़ आ गई कि वोटिंग नहीं होने वाले, तो
न्यूज आ गई पहली बार वोटिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी युवाओं को जैसे यार मिली किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं वोट देना चाहिए, लेकिन मेरा वोट भाजपा को ही देने का था लेकिन वही विन हो गई, तो अच्छा ही भी लगा और अच्छा नहीं भी लगा कि एक जो होता है कि वोट मुझे करना चाहिए वो सिर्फ नहीं हो पाया। एक वो फील होता है कि हाँ हमारे चुने हुए, हाँ हमारे चुने हुए, वो नहीं हो पाया बाकी कुछ ऐसा। आज मैं उनसे सवाल जब कर रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप निर्विरोध चुने गए तो जनता के द्वारा चुन के आने वाला एक वो जो होता है ना ठप्पा वो नहीं लगा है कि मतलब निर्विरोध चुनाव हो गया इसमें जनता वोट की नहीं तो सब, तो उस पर उन्होंने बोला था कि हम तो तैयार थे पर विपक्षी पार्टी के सांसद सब पीछे ही हट गए, मतलब प्रत्याशी पीछे हट गए। हो सकता है ऐसा, कांग्रेस के वो विधायक थे उन सॉरी प्रत्याशी थे उनका रिजेक्ट हुआ फॉर्म, बाकी कई लोग पीछे हट गए, 15 थे 15 में ये थे तो बाकी 14 का तो रिजेक्ट हुआ, 6 का बाकी 8 पीछे हटे और ये फिर आखिरी में जीत गए। हाँ अगले 5 साल अब यही रहेंगे, 5 साल अभी यही रहेंगे। आपके पास चॉइस नहीं है? हाँ चॉइस नहीं है। क्या पढ़ाई करते हो? मैं डायमंड में हूँ। डायमंड में? डायमंड मैन्युफैक्चरिंग। सब जितने भी लोग हैं ना सब बिजनेस करते हैं। सब बिजनेस कर रहे हो? 21 साल की उम्र में बिजनेस? सब के सब ए टू जेड। पढ़ाई? पढ़ाई सब हो गई ना, मतलब करके छोड़ दी। मतलब मैं समझा नहीं, पढ़ाई करके छोड़ दी कैसे? अरे मतलब 21 साल की उम्र में क्या अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर दी? हाँ। फिर सबको बिजनेस में ही सबकी ज्यादा रस आया है। अच्छा ये जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब डायमंड बिजनेस, ये टेक्सटाइल मार्केट, ये सब टेक्सटाइल मार्केट, ये शेयर बाजार, ये रियल एस्टेट और मैं डायमंड में, डायमंड बिजनेस में। तो यार मतलब 20-21 साल की उम्र के बिजनेसमैन से मैं मिल रहा हूँ आज, सारे लगभग 20-20 साल के हैं। भाई आपने कितनी उम्र बताई थी अपनी? 12 साल। अरे माइक पे बताओ। 18। तो तुम इंतजार कर रहे थे कि 18 की और बिजनेस स्टार्ट करते? नहीं वो तो फैमिली शॉप है इसीलिए बैठ के। हाँ मतलब फैमिली वाला संभालने के लिए भी 18 का होना लीगली तो जरूरी है ना। तो अभी तो बैठा हूँ अभी। तो तुम इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही मैं 18 की घंटी बजेगी और मैं? ऐसा नहीं, वो तो अभी वैकेशन होता है तो इसीलिए सिर्फ शॉप पे बैठते हैं बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई? पढ़ाई तो चल रही है। अच्छा क्या कर रहे हो? क्या कर? कॉलेज बीबीए। बीबीए कर रहे हो आप? बीकॉम। बीकॉम मतलब आपकी पढ़ाई चल रही है? आपकी पढ़ाई बीबीए स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर आएगा। तुम्हारी? एमकॉम। एमकॉम भाई बिजनेस। बिजनेस पढ़ाई छोड़ दिए? कब तक कहाँ तक पढ़े? 12th। तुम? 12th। 12th। तो यार मतलब 12th के बाद चलो माना फैमिली बिजनेस है, पढ़ाई का लगता तो होगा यार कि पढ़ाई आगे बनाई जाए। चलो ठीक है बिजनेस भी संभालना है पर क्या क्या बताओ यार बताओ। दुनिया में पैसा ही होता है, पैसा पैसा ही ज्यादा सबको प्यारा है। पढ़ाई हो ना हो पैसा हो, पैसा आना। पढ़ाई तो कर तो ली है, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं किया, लेकिन एक हायर स्टडी होती है ना कि हमको लगता है बैचलर्स करेंगे मास्टर्स करेंगे। था ज्यादा पढ़ने में मन था नहीं, कभी पढ़ने में ज्यादा मन था नहीं। क्या बता रहे हैं? पढ़ने में ज्यादा मन था नहीं तो बिजनेस सेट था, तो पापा के साथ थोड़ा थोड़ा जाते थे सीखते थे फिर समझने लग गए। लगभग सभी ने फैमिली बिजनेस को अपने संभाला है ना। हाँ लेकिन दोस्त बिजनेस की बात हो गई, राजनीतिक बात हो गई, आगे की पढ़ाई पे भी बात होती रहेगी। तुम लोग अपना बढ़िया ऐसे पढ़ते पढ़ते रहो, नाम करते रहो, हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे। ठीक है अच्छा लगा यार तुम सबसे बात करके, धन्यवाद। सबका वोट सूरत में है? हाँ सूरत। चलिए व्यू तो आपको जो है ना। हाँ जरा एक टिश्यू देंगे क्या कोई? ये हटाओ पहले। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मोदी है तो गारंटी। हाँ हाँ जो आपको बोलना हो कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके पास आऊंगा थोड़ा थोड़ा जिसका अभी जो ओपिनियन हो। बात तो सुनिए मेरी, थोड़ा सा जो भी ओपिनियन हो बताना, कोई जनरल नॉलेज कोई थोड़े ना चल रहा है। बड्डे गर्ल है? अच्छा आप बड्डे गर्ल हैं, वाह। हमने पीछे बात करी, हम लोगों के पास जा रहे हैं क्योंकि सभी लोग खाने में व्यस्त हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब एकदम आएंगे एक जगह जुट के हमसे बात कर लेंगे, तो हम उठ के खुद ही जा रहे हैं सबसे बात कर रहे हैं। तो हमको यहाँ एक मैडम मिली, इनका बर्थडे भी है आज। क्या नाम है आपका? रिकिशा। रिकिशा जी का बर्थडे, पहले तो हैप्पी बर्थडे रिकिशा जी। थैंक यू। है ना, तो आप सभी का वोट सूरत के अंदर है, तो हमें ये जानना था कि जैसे इस बार चुनाव यात्रा पर हम लोग निकले पहले तो, पर यहाँ तो चुनाव है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सब जगह पे नहीं है, कहीं कहीं जगह पे तो है ना। नहीं हाँ नहीं पूरे गुजर का लगता है जैसे नवसारी में है, बाकी जब मैं सूरत की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ वेशु में है, वेशु में तो होने ही वाला है। हाँ। वैसे और कोई भी एरिया होगा ना? नहीं नहीं सूरत एरिया, जैसे सूरत की मैं बता दूं कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, आप बता रहे सूरत के कई सारे एरिया हैं जो नवसारी के लोकसभा के अंदर आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सूरत लोकसभा की। जी
तो सूरत लोकसभा में बता रहा था मैं कि जो जिनका वोट सूरत लोकसभा में आएगा अब वो अगले 5 साल तक तो वोट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ बात सही है आपकी, है ना। चाहे कोई आता चाहे कोई जीतता लेकिन लोगों को एक वो लोकतंत्र में वोट का अधिकार, मतलब मेजोरिटी, मतलब सामने वाले को थोड़ा ओपिनियन मिले, सामने वाले साथ होए तो मजा आया ऐसे देखने जाए तो। विपक्ष पक्ष में होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। इस बार तो सब वापस, कोई नहीं है इस बार, कोई नहीं है। मुकेश दलाल जी निर्विरोध चुने गए हमारे 18वीं लोकसभा के पहले सांसद। ऐसे ऐसे देखने जाए तो मोदी है तो क्या गम है देखने जाए तो। गुजरात में एक, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग मोदी के नाम पर, मतलब सांसद से ज्यादा मोदी। हाँ सही है, गुजरात के है ना तो वो अपना मानुस वाला जो आप लोग, वही ना, हम पहले उनको ही वोट देंगे नहीं, लेकिन सांसद वाला मामला नहीं देखते हैं कि बस सीधे मोदी देखते हैं, सांसद भी देखते हैं। गुजरात के है तो देने का, सब देखते हैं, सब देखते हैं। हाँ। बट मोदी है तो गम नहीं है ऐसा, लेकिन एक थीम रहता है कि मोदी है तो कम नहीं है, मोदी है तो गारंटी के ऊपर है, हम सब भी ऐसे। हाँ। उनके ऊपर भरोसा है। माइक पर बताइए क्या बता रहे हैं। अरे मतलब मोदी पर भरोसा है उनका कहने का मतलब, लेकिन चलिए भरोसे वाली बात तो मैं समझ गया। अब इस बार आप लोग वोट नहीं कर पाए अगले 5 साल तक तो इस दुख रहेगा ही, पर अब क्या कर सकते हैं, तो इसका दुख रहेगा ऑब्वियसली। मोदी को मेजोरिटी में जिता दे बट चुनाव नहीं है तो थोड़ा तो गम रह गया। जीती तो भाजपा ही है ना, इसलिए गम नहीं है। आप क्या बता? अच्छा है थोड़ा, गवर्नमेंट का उतना खर्चा कम हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का तो कोई खर्चा वैसे भी नहीं होता, क्यों ज्यादा इलेक्शन का खर्चा तो रहता ही, तो वो तो पूरे देश में इलेक्शन है, एक जगह से कितना ही कम होगा, जितना हुआ उतना उतना बचेगा, लेकिन विकास काम में ज्यादा लगेगा। एक बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि खर्चा तो कम हुआ, लेकिन लोकतंत्र जब जहां पर होता है तो लोकतंत्र को बनाए रखने में खर्चा नहीं होता है। देश में सबसे ज्यादा अगर खर्चा किया जाना चाहिए। हाँ नोटा वोट था ही, वो ऑप्शन था ही उनके पास, लेकिन अब क्या हुआ मालूम नहीं। तो निर्विरोध चुन लिए गए, वो 18वीं लोकसभा के पहले सांसद। पहले सांसद पहला कमल खिल गया सूरत से आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों के चुने हुए नहीं, दिल से दिल सकते हैं आप। हाँ। हमारे चुने हुए नहीं है वो, हाँ। सीधे डायरेक्ट चुने हुए है। हाँ, दिल से चुने हुए मेरा, है। मेरा कहने का मतलब आप लोगों के चुने हुए से नहीं का ये है कि आप लोग किसी को भी वोट देते, आप लोग किसी को भी जिता सकते थे, चाहे बीजेपी के ही जीतते चाहे कांग्रेस के जीतते, लेकिन वोटिंग के द्वारा ना। निर्विरोध तो वो एक तरह से होता कि अब लोग है ना, क्या बता रहे वोट। मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आपका फर्स्ट टाइम वोट था, लोकसभा में 5 साल बाद डाल पाएंगे पहला लोकसभा वोट, तो आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा क्या एज है आपकी? 25 तो पहली बार आपका वोट लोकसभा में हो। हाँ। इससे पहले विधानसभा में दिया है? नहीं नहीं फर्स्ट टाइम ही था। ओवरऑल फर्स्ट टाइम वोट। 25 साल हो गए लेकिन अब एक्साइटेड हो रहे हैं। अरे लेकिन पहली बार वोट का एक अपना एक्साइटमेंट अलग होती है ना वो, पर हमें जैसे पता चला कि ओवरऑल कैंसिल हो गया तो फिर हम थे वो थोड़ा सैड, पर ठीक है फिर भाजपा सिलेक्ट हुई है तो फिर सैड किस बात का, मतलब मन का कैंडिडेट हो गया लेकिन एक मन में टीस भी है कि हमने नहीं चुना। हाँ बस दिल से जीते अंगूठे से नहीं, तो वो नाखून में स्याही लगना रहेगा। हाँ। स्याही के साथ सेल्फी भी रहेगी। वो तो बहुत मिस करेंगे हमको। आपने मिस नहीं कर सो, आपने तो छे, आपने छे ऑप्शन हमको देने का है। अच्छा आप लोग नवसारी वाले में, वेशु वाले में, अच्छा अच्छा तो वहाँ पर सीआर पाटिल, मतलब सीआर पाटिल सीट नवसारी है, वेशु आपका क्षेत्र जो विधानसभा नवसारी में आ जाते हैं। अच्छा ये बहुत बहुत अच्छी वो डेमोग्राफी, मैं देख रहा था आज सुबह हम लोग जहाँ सांसद से मिलने गए थे, आपके मुकेश दलाल से जो सांसद हैं, तो उनसे जहाँ मैं मिलने गया वो जगह आ रही थी नवसारी के अंदर, वहाँ पीछे एक आपका श्याम मंदिर के पास उनका ऑफिस था, तो वो 84 जो भी जगह 84 नाम है जगह का, वो आ रही थी नवसारी के अंदर, और जबकि वो शहर पड़ रहा है सूरत पर विधानसभा क्षेत्र वो नवसारी के अंदर आ रहा था, तो वहाँ पर भी लोग यही बता रहे थे कि आप इस समय, तो मेरा उनसे पहला सवाल ही ये था कि हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ तो वोटिंग हो रही है, लेकिन जिस शहर में बैठे हुए हैं और जिस नाम से वो शहर है सूरत, उस लोकसभा पे वोटिंग नहीं हो रही। हाँ, वो सही है, वो आपकी बात सही है तो वहाँ पर नहीं हो रही है, बट जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी जगह पर हो रही है वोटिंग सूरत के, बाकी गुजरात में तो, हाँ बाकी सब गुजरात में तो हो ही रही है, सूरत में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वोटिंग हो रही है। हाँ, वो नवसारी में जो आ रही है एक्साइटेड भी है उसके लिए। हाँ, वोटिंग बिल्कुल बहुत वही, मतलब वोटिंग को लेकर जैसे आप एक्साइटमेंट बता रहे हैं, पर जो लोग वोट नहीं कर पाए उनका तो एक्साइटमेंट देखी ना, वो उनके मुंह पे भी एक्साइटमेंट तो है ही ना, वो हाँ दिल से जीत गए। हाँ
डिफरेंट होगा तो एक्साइटमेंट तो उतनी रहेगी। नहीं नहीं, आप क्या बता रही है, वो खुद से लगा के कर लेंगे, खुद से लगा के करेंगे वो, सही नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, नेल पॉलिश से करेंगे। देखो मैंने नेल पॉलिश। आप कहाँ से हो? हम लोग तो दिल्ली से आए हुए हैं अभी फिलहाल में, और जुगाड़ी करते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, जुगाड़ी करते हैं, तो इसका भी एक जुगाड़ है कि नेल पॉलिश लगाएंगे और हो गया। तो मैडम क्या ये सही कह रहे हैं, ऐसा होगा क्या? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम खुशी होंगे, भले हम लोग ने वोट किया नहीं किया, पर उन्होंने जो वो बोला वो हम कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ गया करेंगे नहीं, कर सकते हैं पर हम करेंगे नहीं। फिर सेल्फी कैसे खिंचाएंगे? हाँ, फिर सेल्फी से वाली कैसे आएगी? भी नहीं खिंचा पाएंगे ना इस बार वो भी नहीं खिंचा पाएंगे इस बार वो भी नहीं खिंचा पाएंगे, तो उसके लिए फिर अगला चुनाव का इंतजार आएगा तब। हाँ, तो सूरत के हम एक मार्केट में आए, हमने लोगों से बात करी, जाना कि सूरत में जो चुनाव नहीं हुए, निर्विरोध चुने गए मुकेश दलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो उनको लेकर उनका क्या सोचना है। लोगों में मिक्स रिएक्शन है, कई लोगों का कहना है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते लेकिन हम चाहते थे कि खुद से चुने, इस बात की लोगों के अंदर टीस भी है। कई लोगों का कहना है कि नहीं, ये मतलब जिन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसे वोट देते, तो उनका ये कहना था कि वोटिंग का राइट तो हमारे पास होना ही चाहिए था। अपने अपने ओपिनियन है लोगों को, क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए लल्लन टॉप। अमतेश हमारे साथी हैं कैमरे के पीछे, मेरा नाम उदय भटनागर।